हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, केबीएस ने आपका जो लाइब्रेरियन का रिजल्ट है उसे भी आज जारी कर दिया है। धीमे कर करके सभी पोस्टों के रिजल्ट आते जा रहे हैं। अब आपका जो मुख्य रिजल्ट है वो केबीएस पीआरटी बचा हुआ है। देखिए, ये लाइब्रेरियन का रिजल्ट है, इसमें हम देखेंगे जो कट ऑफ है वो, देखिए जनरल और जनरल के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा है। तो इस देख लेते हैं इस तरीके से कि केबीएस पीआरटी में भी कितनी कट ऑफ में, यहाँ से एक अंदाजा लगाते हैं लाइब्रेरियन की कट ऑफ से कि कितना अंतर रह सकता है। हमने देखी टीजीटी पीजीटी की पहले कट ऑफ देखी तो उसमें भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जनरल के अकॉर्डिंग मिनिमम 8 से 10 मार्क्स का अंतर रह रहा था, लेकिन इसमें तो बहुत ही अंतर रहा है। उस अंतर को हम देखते हैं कट ऑफ में कितना डिफरेंस यहाँ पर पड़ा है। देखिए, लिखा हुआ आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टेड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन टू द फील्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केबीएस अगेंस्ट द एडवर्टाइज नंबर, वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए केबीएस में कितनी पोस्ट थी, कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है, कितने गुने बच्चे बुलाए गए कैटेगरी वाइज, वो सभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, पहले सबसे पहले कट ऑफ का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, आज ये रिजल्ट आया आपका, यूआर की जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है वो 152.66 के समथिंग, यानी 152 कट ऑफ गई है, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 125.31, यानी 125 कट ऑफ गई है। जबकि ओबीसी की कट ऑफ देखोगे आप तो ओबीसी की कट ऑफ 127.54 के समथिंग है, एससी की कट ऑफ 114.35 है, जबकि एसटी की कट ऑफ कितनी है, 108.54 के समथिंग है। ये आपके हैंडीकैप्ड और अदर कट ऑफ दी हुई हैं। तो यहाँ से देखिए, यूआर की कट ऑफ कितनी है, 152.66 है, जबकि बात की जाए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मात्र 125 पर गई है और ओबीसी कट ऑफ 127 पर गई है। तो यहाँ से जब आप डिफरेंस देखोगे तो 25 से 27 नंबर का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है जनरल, यूआर जनरल की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ में। तो देखिए, मिनिमम अंतर तो 8 से 10 नंबर टीजीटी पीजीटी में हमें दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ में अंतर देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा है। तो कट ऑफ के बारे में ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जनरल से पीआरटी में भी कट ऑफ आप निश्चिंत मान के चलिए, मिनिमम 10 से 10 नंबर तो है ही है, 10 से ज़्यादा भी डिफरेंस रह सकता है। हमने आपको कट ऑफ बताई है पीआरटी के लिए, वीडियो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से कट ऑफ का आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, देखिए कितने गुने बच्चों को बुलाया गया वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस लाइब्रेरियन में जो टोटल पोस्ट थी वो टोटल पोस्ट थी आपकी 355 पोस्ट में जो जनरल की पोस्ट थी वो थी 146, और इन्होंने जो रिजल्ट दिया, हमने भी इसमें देखा है रिजल्ट, तो वो 257 बच्चे बुलाए गए। हमने पहले से पीडीएफ देख ली आपकी, तो हम बता देते हैं आपको जनरल के बच्चे कितने बुलाए गए, 257। उससे जो आपके कितने बच्चे गुने बच्चे निकले, तो देखिए 2 गुने बच्चे के समथिंग, उससे कम ही बच्चे बुलाए गए हैं जनरल के, यानी 2 गुने से भी कम बच्चे बुलाए जा रहे हैं जनरल के लिए। जबकि बात हम करते हैं फिर किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो देखिए जो ओबीसी की पोस्ट थी 355 में, वो पोस्ट थी इसमें 95, और 95 पोस्ट किसकी थी, ओबीसी की। देखिए ओबीसी की पोस्ट कितनी थी, 95, और 95 के अकॉर्डिंग इन्होंने जो बच्चे बुलाए हैं वो ओबीसी के बच्चे बुलाए हैं 456। तो 456 बच्चे बुलाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गुने बच्चे इसमें बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 गुने से भी बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं जो कि आपके ओबीसी कैटेगरी से बुलाए गए हैं, यानी कहने का मतलब है 4 से 5 गुने बच्चे ओबीसी में बुलाए जा रहे हैं, जबकि जनरल में 2 गुने ही बच्चे बुलाए गए हैं। अच्छा, बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जब आप इसमें देखोगे, ईडब्ल्यूएस के बच्चों का जो हमने इसमें लिस्ट में देखा है, एनालिसिस किया है, तो ईडब्ल्यूएस की जो 355 टोटल पोस्ट थी उसमें से 355 में से कितनी पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस वालों की, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट थी 35, और 35 के अकॉर्डिंग इन्होंने 151 बच्चों को बुलाया है। इनका भी रिजल्ट है वो 4 गुने के समथिंग इन्होंने दिया है, 4 से 4.5 गुने के समथिंग ईडब्ल्यूएस बच्चों को ही बुलाया है। जबकि बात की जाए एससी की, तो एससी की जो इसमें सीट थी 355 में वो थी 53, एससी की कितनी थी 53, और 53 के करस्पॉन्ड इन्होंने बच्चे बुलाए 180। तो आप देख सकते हो इनके जो 53 बच्चे के अकॉर्डिंग 180 बुलाए, तो इनकी भी ठीक ठाक है, करीब 4 गुने के समथिंग है, 4 गुने से थोड़ा कम है, तो इन्हें भी बच्चे सही बुलाएंगे। बात की जाए जनरल की, तो जनरल के बच्चे 2 गुने से कम ही बच्चे बुलाए जा रहे हैं, इसलिए जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस रह रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग। तो यानी कि टोटल यहाँ पर जो बच्चे बुलाए गए हैं आपके, उसे देख लेते हैं हम। तो देखिए टोटल बच्चे भी आपको दिखा देते हैं, कितने बच्चे टोटल बुलाए गए हैं
सभी जो 355 सीट हैं उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चों का इन्होंने रिजल्ट दिया है इंटरव्यू के लिए। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं नीचे चल के लास्ट में, बिल्कुल देखिए टोटल बच्चे जो बुलाए गए हैं वो 355 पोस्ट थी, उसके टोटल अगर बच्चों का हम जिक्र करें तो 355 के करस्पॉन्ड इन्होंने बच्चे बुलाए 1138, तो 1138 बच्चे बुलाए, तो मान सकते हैं कि वही 3 से 4 गुने के बीच में बच्चे ऑल ओवर बुलाए जा रहे हैं। ये लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए था, तो इंटरव्यू के लिए ऐसे ही आप पीआरटी के लिए मान सकते हैं, आपके 6400 के समथिंग वैकेंसी है, तो निश्चित सी बात है आपकी 4 से 5 गुने के बच्चे बुलाए जाने की उसमें भी आपकी संभावना है, करीब 24,000 के समथिंग बच्चे निश्चित ही आपके उसमें भी बुलाए जाएंगे। अब जो आपका रिजल्ट आना है वो KVS PRT के आना है, बस वो PRT का रिजल्ट है, PRT का रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेगा, जो KVS है वो इंतजार कर रहा है आपका, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए BEd वर्सेस DLed का जो भी ऑर्डर आना है, तो उससे KVS बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएगा फिर अपना रिजल्ट देने में, कि जो भी रिजल्ट आता है किसके फेवर में आता है उस हिसाब से फिर आपका रिजल्ट आने की पूर्ण रूप से संभावना, और जो उसका कोर्ट केस है वो 21 मई से पहले तक ही आने की उम्मीद है, क्योंकि फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश जून में हो जाएगा, फिर जुलाई में जाकर कोर्ट खुलेगा, अन्यथा के केस में फिर जो KVS है वो रिजल्ट देगा आपका कोर्ट के अधीन। चलिए देखते हैं कैसे क्या आपका रिजल्ट आता है फिर। अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।